इस चार चोमा के ऐतिहासिक और पुरातत्व शिव मंदिर में पधारे सभी श्रद्धालु भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। देवों के देव महादेव चार चोमा महादेव जी को भी प्रणाम करता हूं। देवों के देव महादेव हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये चार चोमा का ऐतिहासिक मंदिर, ये पुरातत्व मंदिर जो हम सबकी आस्था विश्वास और हम सबको आशीर्वाद देने वाला ये भव्य स्थान, इसकी विरासत, इसका इतिहास, इसकी संस्कृति आने वाली पीढ़ी याद करे, इसलिए हमें हमारी विरासत को याद करना है, हमारी संस्कृति को याद करना है, आध्यात्मिक को याद करना है। लेकिन चार चोमा का इस स्थान का क्या महत्व है, ये आने वाली पीढ़ी याद करे, इसके लिए आने वाले समय में इस मंदिर को बहुभव्य बनाया जाएगा। ये मंदिर का बहुत बड़ा विरासत का इतिहास है। जब चौथवीं पांचवीं शताब्दी के अंदर, गुप्त काल के अंदर, जो इतिहास के पन्ने बताते हैं कि सोलन की राजा और रानी मंदसौर से पैदल चलकर यहां पर आए थे, उनके बच्चा नहीं था, उन्होंने इस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करी, पूजा करी और भगवान शिव से मांगा और उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। और उन्होंने उस समय इस मंदिर का निर्माण कराया। आप जब मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको भव्यता दिव्यता के साथ एक ऐसी अनुभूति होती है कि चार चोमा भगवान शिव एक अद्भुत है। मैंने कई मंदिरों के दर्शन किए लेकिन चार चोमा का स्थान का एक अपना महत्व है। और यहां पर भगवान विराजे जिनकी चारों तरफ शिव की प्रतिमा है, इसका भी अपना एक इतिहास है। और इसीलिए इस चार चोमा के इस मंदिर को 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में कई विक्रांत राजाओं ने इसको नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन इस मंदिर को कोई नष्ट नहीं कर पाया, क्योंकि स्थान का बड़ा मत होता है और चार चोमा का स्थान का बड़ा मत है। इसलिए देवों के देव महादेव की हम पर कृपा बनी रहे। अभी पुरातत्व विभाग वालों से मैं चर्चा कर रहा था, मैंने कहा इसका भव्य स्वरूप बनाना है, आपने कितने का एस्टीमेट बनाया, तो उन्होंने कहा 36 लाख रुपए का। मैंने कहा 36 लाख से काम करने वाला नहीं है, इसका पैसों से नहीं लेकिन भव्यता के रूप में भी इस सारे इलाके के अंदर दूर दराज के लोग यहां पर सोरती मेले पर आते हैं, मां शिवरात्रि पर आते हैं, इसकी भव्यता अद्भुत होनी चाहिए कि देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोग यहां पर चार चोमा मंदिर पर दर्शन करने आए। और इसलिए यह प्रोजेक्ट व्यापक बनाने के लिए कहा मैंने, इसकी वस्तुत एक डीपीआर बने और इस डीपीआर के साथ साथ, क्योंकि स्थान कम है, उसके बाद भी स्थान की भव्यता के आधार पर
इस जमीन की दिव्यता के आधार पर हम इस मंदिर को दिव्य और भव्य बना सके, ये जिम्मेदारी शायद चार चौमा भगवान ने हमें दी है। हम कुछ करता नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा है। जो कुछ भी, हेलो, लाइट गई दिखती है ना, हेलो, हम कुछ नहीं करता, करता तो भगवान शिव है, उसकी आराधना उसकी दिव्यता है, वह हमें प्रेरणा देता है। और इसी के साथ अभी बैठे बैठे उन्होंने प्रेरणा दी कि चार चौमा के इस स्थान की दिव्यता भव्यता बननी चाहिए, कंसुआ के मंदिर की दिव्यता भव्यता बननी चाहिए, और आने वाले समय में केसराय पाटन भगवान की दिव्य भव्यता बननी चाहिए, ताकि एक धार्मिक आस्था का केंद्र कोटा बूंदी हमारा एक सर्किट बन जाए। यहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो मेहनतकश लोग हैं, लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारे यहां पानी होना चाहिए, सिंचाई का पानी नहीं, सरकार की गति के साथ ही नई सरकार ने उसकी गति धीमी कर दी, लेकिन अब समय दूर नहीं है, अब समय वापस आने वाला है, उसकी गति भी चलेगी और जल्दी पानी भी पहुंचेगा सारे इलाके के अंदर, आप चिंता मत करिए। भगवान शिव की कृपा है, सारा इलाका समृद्धि आए, खुशहाली आए, देवों के देव महादेव की कृपा हम ही बनी रहे, और महादेव की कृपा बड़ी अपार है। आदि भगवान शिव जिसकी आराधना पूजा देश और दुनिया के अंदर होती है, उनके अलग अलग स्वरूपों की, कई नीलकंठ महादेव होते हैं जिन्होंने जब समुद्र मंथन हुआ तो अमृत भी निकला तो विष भी निकला, कौन विष पिए, क्योंकि महादेव ने कहा कि ये विष पीने की जिम्मेदारी मेरी है, उन्होंने विष पिया और वो नीलकंठ महादेव हुए। इसलिए भगवान महादेव कहते हैं कि समाज का विष पियो, समाज के संकट आपदा मुसीबतों को अपनी मुसीबत समझो, यही भगवान शिव के संस्कार हैं। डमरू वाले बाबा, उन्होंने पशु पक्षियों से प्यार किया, कभी इधर नाग देवता इधर कोई देवता, उनकी बरात में भी अद्भुत बरात थी, इसलिए उनका प्रकृति से प्रेम, जीव से प्रेम यह हमें संस्कार देता है कि प्रकृति से प्रेम करो, जीव से को करो। और जब सृष्टि के अंदर राक्षस प्रवृत्ति आ जाए तो उसका विनाशकारी काम भी भगवान शिव ने किया है, तो भोले बाबा भी है, और जब प्रचंड आता है तो सारी प्रलय करने का दाता भी शिव है। भगवान भी हमें हर चीज का, संस्कृति का ज्ञान और दिशा देने का काम करते हैं। इसलिए भगवान शिव के स्वरूपों की चर्चा वर्णन करते समय हमें लगेगा कि उस समय भगवान शिव के विराट स्वरूप का कितने व्यक्तित्व थे जो आज समाज के जीवन के अंदर अपनाना जरूरी है। यही तो प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला अलंपार है। भगवान राम कहते हैं कि एक आदर्श पुरुष होना चाहिए, चुनौतियां कठिनाइयां जीवन में आना चाहिए, अगर भगवान राम को वनवास नहीं मिलता तो रावण का वध नहीं होता, तो राक्षस प्रवृत्ति का वध नहीं होता। इसलिए भगवान राम को वनवास मिला, आदर्श जीवन जिया, कठिनाइयां चुनौतियां संकट झेले, लेकिन सत्य की विजय हुई, इसलिए जीवन में सत्य के संस्कार भगवान राम से मिलते हैं। कर्म के सिद्धांत
कष्ट भगवान से मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण का कर्म करो। जब कौरव पांडव का युद्ध हुआ तो अर्जुन बड़ी विचित्र स्थिति में थे। उन्होंने कहा कि अर्जुन ये युद्ध तुझे लड़ना है। अर्जुन ने कहा कि मेरे सामने मेरे सगे संबंधी सबको वश कैसे कर सकता हूं, लड़ तो भगवान कृष्ण भी खुद भी लड़ सकते थे, उनकी लीलाएं तो थी। उन्होंने कर्म करना सिखाया और कहा कि जब युद्ध के मैदान में जाओ तो न्याय की लड़ाई लड़ो, और भगवान श्री कृष्ण की लीला तो अद्भुत है। हम भागवत कथा कहते हैं, भागवत कथा ने किस तरीके से जीवन और जीवन के बाद मृत्यु को भी, उन्होंने मृत्यु के जब भागवत कथा का वर्णन पूरा पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि मृत्यु को भी उन्होंने उत्सव रूप में मनाया, और उनको याद था कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होनी है। उस मृत्यु को उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनते 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 अपने मृत्यु के निकट कर। तो भगवान की पार आए पार है, हम तो सब करने वाले हैं, आप सब करने वाले हैं, लेकिन हमें भगवान ने यह दायित्व दिया है कि हम समाज के अंदर हर संकट पीड़ा दुख के अंदर एक सामूहिकता के साथ खड़े रहें, एक अच्छे संस्कार हो, अच्छी संस्कृति हो, सत्य के मार्ग पर चलना हो, पुण्य हमारे हाथ से हो, पाप न हो। जो ज्यादा जितना आस्था रखेगा, विश्वास रखेगा, धर्म पे चलेगा, वो उतना ही पुण्य का काम करता चला जाएगा। और इसलिए आप देखते हैं कि हमारे यहां धर्म के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, हमारे नौजवान भी अब धर्म के प्रति आस्था रख के नए संस्कार नई संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं, ताकि हमारे हाथों से पुण्य ही पुण्य काम हो, सबका कल्याण सबकी समृद्धि, यही भगवान शिव से हम प्रार्थना करते हैं। है चार चरमा के महादेव, सब पर कृपा करें, हम तो इस सृष्टि पर पूरे विश्व के समृद्धि की कल्पना करने वाले लोग हैं, आपका इसी विराट स्वरूप हम सबको प्रेरणा देते रहे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान शिव के इस मंदिर में पधारे आप सभी श्रद्धालुओं को भगवान की कृपा हुई है। जिस पर भगवान की कृपा होती वही यहां दर्शन करने आता है, जिस पर कृपा होती है नहीं आते। इसलिए यह भी प्रभु की कृपा है कि आपके कारण मुझे भी भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। इसके लिए मैं यहाँ की सरपंच श्री उच्चमा जी और सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपके कारण मुझे चार चुमा महादेव के दर्शन करने का मौका मिला। मेरी कोशिश होगी कि आपने जो प्यार से आशीर्वाद दिया है, भगवान शिव राम ने जो हमें संस्कार संस्कृति की, उसी को लेकर आगे बढ़े। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय भोले।